राशिद का तो नुकसान है, ये वन ऑफ द बेस्ट इन T20 क्रिकेट। अभी भी लोग कह रहे हैं कि फिंच को क्यों नहीं लिया, बिलिंग्स इज वेरी इफेक्टिव प्लेयर, जो फाइनल खेले हैं वही खेलेंगे। अब उसमें हफीज की जगह सिकंदर रजा आए, मेरे हिसाब से जितने भी लाहौर ने टीमें बनाई हैं ये सबसे मजबूत है। देखिए राशिद का तो नुकसान है ये, क्योंकि प्रॉब्ली ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन T20 क्रिकेट। लेकिन अगर आप देखें तो स्पिन ऑप्शन में हमारे पास अभी भी सिकंदर रजा है, लियम डॉसन है, सो आई थिंक कि वो दो तीन मैच का जो है वो नुकसान इतना नहीं होगा। अगर हमारे पास कॉक्स नहीं है तो उनकी जगह कुशाल मेंडस, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में है और हमेशा बड़े इफेक्टिव प्लेयर रहे। एक हमने जो साउथ अफ्रीका का प्लेयर अभी लिया है वो हमारी क्लास ऑफ 22 का हिस्सा थे, नबी भी अभी गए, शेन डैट्सविल बड़ी अच्छी ऑप्शन है वो भी, और एसन बट्टी एक और क्लास ऑफ 22 के प्लेयर हैं। सो आई थिंक अभी भी हमारा जो फोकस यही था कि आपने देखना है कि गैप्स कौन कौन से हैं और उनको फिल करना है, उससे नाम बड़ों से छोटा भी लोग कह रहे हैं कि फिंच को क्यों नहीं लिया, तो देखना आपने ही होता है कि आपकी टीम में वो गैप्स कहाँ है, वो ज़रूरी होते ना कि किसी बड़े नाम से। देखिए ये सीज़न ऐसा है, जब PSL हो रही होती है फेब मार्च में, तो स्वाय इंग्लैंड के पूरी दुनिया का सीज़न होता है, तो इसलिए ये एक क्रूशल टाइम होता है। बट आई थिंक यही गेम है, इसमें आपने स्मार्टली खेलना है। बट स्टिल आई थिंक हमारी ड्राफ्ट वाली पिक्स तो सबसे अच्छी थी, और इसमें भी जो ऑप्शंस हमने क्रिएट किए हैं, बिलिंग्स इज़ वेरी इफेक्टिव प्लेयर, सो आई थिंक अच्छी टीम बनेगी और ज़बरदस्त PSL में परफॉर्मेंस आएगी। जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो हमारी जो रिटेंशंस थी, अगर आप उनको देखें तो ऑलमोस्ट 8 to 9 प्लेयर्स जो फाइनल खेले हैं वही खेलेंगे। अब उसमें हफीज़ की जगह सिकंदर रजा आए, जब से उसने वो अपना एक्शन चेंज किया ना, बैक ऑफ द रिस्ट बॉल पकड़ते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो गया इस बॉलर, और पिछला साल उनका 2 साल से बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। और समित पटेल थे तो उनकी जगह लियम डॉसन है, जो कि यू नो अभी इंग्लैंड की टीम में है, ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं। सो आई थिंक ये टीम मेरे हिसाब से जितने भी लाहौर ने टीमें बनाई हैं ये सबसे मजबूत है।